नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं AXE जजमेंट सीरीज का नया इशू। तो यार, अब तक आपने देखा कि इटर्नल्स और म्यूटेंट के बीच वॉर रोकने के लिए एवेंजर्स और कुछ इटर्नल्स जैसे कि सर्सी और एजेक्स प्रोजेनिटर नाम के सेलेस्टियल को जिंदा करते हैं, लेकिन वो सबको इजाज करने लगता है। इसलिए एक्समैन उस सेलेस्टियल पे अटैक करते हैं, लेकिन सेलेस्टियल को कुछ नहीं होता है। तभी एवेंजर्स और कुछ इटर्नल्स मिलकर एरोस को बाहर निकालते हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके। तो भाई, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम एक हेक्स को देखते हैं और उसके सामने कैप्टन अमेरिका खड़ा है और सारे लोगों को शांत कर रहा है। तभी हमें प्रोजेनिटर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये दुनिया समझती है कि हीरोस उन्हें बचा नहीं सकते हैं और अब उन्हें खुद हीरो बनना होगा। उन्हें तय करना होगा कि हीरोस का मतलब क्या होता है। आज इस दुनिया ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। ये कैप्टन अमेरिका अपने टेस्ट में फेल हुआ है, इसलिए वो लोगों को इंस्पायर कर रहा है। लेकिन शहरों में दंगे हो रहे हैं, देशों में दंगे हो रहे हैं, घर में दंगे हो रहे हैं, यहाँ तक कि दिलों में दंगे हो रहे हैं, और कैप्टन हर जगह नहीं हो सकता है इन्हें रोकने के लिए। लेकिन फिर भी वो कैमरा के जरिए सबको समझा रहा है। तभी कैप्टन सबको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा सारे लोग कैप्टन पे ही अटैक करते हैं। यहाँ प्रोजेनिटर अपना जजमेंट करने में बिजी था और वही सर्सी कहती है कि प्लान सिंपल है, हम एरोस को इमोशनल मैनिपुलेटर की तरह इस्तेमाल करेंगे और वो मशीन से जुड़ जाएगा और फिर हम पूरी दुनिया में प्यार और शांति का संदेश फैलाएंगे। तभी एरोस कहता है कि अगर मैं अपनी काबिलियत ऐसे इस्तेमाल करूं तो हम ये टेस्ट कभी नहीं जीत पाएंगे, और अगर हम प्यार में भरोसा नहीं करेंगे तो हम जीत नहीं सकते हैं। जिस पर सर्सी कहती है कि ये कोई गेम नहीं है, यहाँ खतरा बहुत बड़ा है। जिस पर एरोस कहता है कि जब मैं एक्सक्लूशन में कैद था तब मेरे पास बहुत समय था सोचने के लिए और मैंने बहुत से आइडियाज बनाए हैं और हम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर हम प्रोजेनिटर की आवाज़ सुनते हैं जो कहता है कि एरोस सही है, यहाँ घर जाते हुए टॉम को किसी लोगों ने पीटा है ये समझ के कि वो यूरोपियन है और इसी कारण वो मेरे टेस्ट में फेल हुआ है। ल्यूक केज मेयर बन गया है और मैं वहाँ किसी प्रेस का बनकर उसे सवाल पूछने गया था कि तुम परफॉर्मेंस को कैसे जज करोगे, जिस पर उसने कहा कि कल पूछो, और ये कोई जवाब नहीं था और इसीलिए वो भी मेरे टेस्ट में हार गया है। थॉर ओडिनसन थीमैक से लड़ रहा है और मैं उसे ध्यान से देख रहा हूँ। मैंने उसके हैमर को पढ़ा है और सच में जान गया हूँ कि वो उसके लिए वर्दी है। एरोस यहाँ किसी म्यूटेंट से मिलने आया है और वो म्यूटेंट उसे सुन रहा है। मैं कमाला खान के सामने कैप्टन मार्वल बनके गया था और मैंने उसे और उसकी फैमिली को ऑफर दिया था इस अर्थ को छोड़कर जाने का, लेकिन उसने अपना हाथ बढ़ा करके मुझ पर अटैक किया और पूछने लगी कि कैप्टन मार्वल कहाँ पर है। कटरीना ने अपना होटल छोड़ा है और उसे याद आया कि उसने टिप देना भूल गई है, इसलिए मैं उसके सामने उसके डैड के रूप में आया और उसे बता दिया कि वो टेस्ट हार चुकी है। चार्ल्स जेवियर इटर्नल से लड़ रहा है, इसलिए मैंने उसके बेटे का रूप लिया और उसके सामने आया, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की, इसलिए वो भी मेरे टेस्ट में हार गया है। मैं कोमाली के यहाँ भी पहुँच गया था, लेकिन मैं उसे जज नहीं कर पाया। एरोस किंग और मोनाथ से मिलने आया है। मैंने स्टारबैंड को टेस्ट किया और वो मेरे टेस्ट में पास हुई। यहाँ डैनिया भी टेस्ट में पास हुई है। मैं डॉक्टर डूम के पास भी पहुँचा था और उससे कहा कि कहो रीड रिचर्ड्स तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है और तुम पास हो जाओगे, लेकिन वो हंसते हुए वहाँ से चला गया। जेड़ा कैप्टन के स्क्रीन को देख रही थी और सारे दुख दर्द को समझ रही थी, इसलिए वो मेरा टेस्ट पास कर गई। मैट मर्डॉक डेविल बनकर अपने स्ट्रीट को हेल बनने से रोक रहा है। उसके कुछ मॉरल कोड है, लेकिन वो हर बार उसे तोड़ता है और वो भी मेरे टेस्ट में फेल हुआ है। एरोस को क्या जज करूं, उसने तो खुद को पहले ही जज किया है। माइल्स मोरेलिस के सामने मैं बेटर पार्कर बनके आया था और वो मेरे टेस्ट में पास हुआ। केंटा ने अपना होमवर्क नहीं किया है, इसलिए मैं उसे जज नहीं करूंगा क्योंकि वो छोटी है और मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। यहाँ असेंबली में एरोस खड़ा था और कहता है कि अगर तुम मुझे जानते हो तो मैं कभी एवेंजर था और मैं सुखवादी हूँ और ये सच है, पर मैं तुम्हें सुखवादी का अलग तरीका समझाता हूँ। हमारे पास एक ही चॉइस है, हमें लाइफ को डेथ के ऊपर चुनना होगा और तुम सब ने हमारा प्लान देखा है,
म्यूटेंट्स ने हमें कुछ टेक्नोलॉजी दी है और वो आगे भी देना चाहते हैं, और आप लोगों ने इटर्नल्स की भी टेक्नोलॉजी देखी है। अगर तुम सब लोग सहमत होंगे तो तुम सबको सेलेस्टियल की टेक्नोलॉजी मिलेगी। इटर्नल्स तुम्हें स्वर्ग बनाने में मदद करेंगे, एक ऐसी दुनिया जहाँ के सारे लोग लाइफ से प्यार करेंगे। ये कहते ही एरोस वहां से चला जाता है। तभी एरोस को सेबेस्टियन शॉ मिलता है। फिर कुछ देर बाद एरोस कहता है कि हमें मेरे कजिन ड्रिक का कुछ करना होगा, जिस पर आयरन मैन कहता है कि अभी जाके उसका मुंह तोड़ देते हैं। जिस पर सर्सी कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे डोमेन्स में नॉन इटर्नल्स नहीं आ सकते हैं, उसके लिए हम में से एक को अंदर जाकर कोड्स बदलने होंगे। जिस पर एजेक्स कहती है कि हमें सेलेस्टियल से बात करके सुलझाना होगा, हो सकता है कि ये भी उसकी कोई टेस्ट हो। जिस पर मिस्टर सिनिस्टर कहता है कि नहीं, हमें कुछ करना होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। तभी आयरन मैन कहता है कि मिस्टर सिनिस्टर सही है, क्योंकि पिछली बार जब ड्रिक ने इस शैतान को आज़ाद किया था तब उसने काफ़ी सारे म्यूटेंट्स को मार गिराया, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि यूरेनस को रोका जा सके। जिस पर एरोस कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस पर सर्सी कहती है कि हमें देखना होगा कि ड्रिक कब कोई गलती करता है और फिर हम उसे रोक सकते हैं। यहाँ ड्रिक और यूरेनस बात कर रहे थे। तभी ड्रिक कहता है कि सेलेस्टियल को मुझे जज करना बाकी है, क्योंकि मेरा आखिरी खेल अभी बाकी है। मैसेजेस बता रहे हैं कि मेरा राज खत्म होने वाला है, इसलिए मुझे यूनिमाइंड को अनलीश करना होगा। फिर एक बार अब म्यूटेंट कमजोर है और मॉर्टल भी है, और अब एक ही बार में उनका किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सबके सब को यूनिमाइंड में बुला लो और हेक्स को भी शामिल करना। जिस पर यूरेनस कहता है कि उसके बाद तुम यूनिमाइंड के वॉर फॉर्म को अनलीश कर दो, लेकिन याद रखना मैं तैयार हूँ, जब तुम्हें जरूरत होगी तो बता देना। तभी यूनिमाइंड फिर से एक्टिवेट होता है और सारे म्यूटेंट्स देख रहे थे। तभी वहां पर मिस्टर सिनिस्टर आता है और कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं किसी को लाया हूँ। और तब वहां पर कुछ इटर्नल्स जैसे कि सर्सी, फेस्टोस, एजैक्स, किंगो और एरोस आते हैं। तभी वे इटर्नल्स यूनिमाइंड से जुड़ जाते हैं, और तब उनके सामने ड्रिक आता है और कहता है कि तुम भी मरने के लिए आ गए या फिर मेरी मदद करने आए हो, क्योंकि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तभी सर्सी कहती है कि तुम्हें वाकई लगता है कि तुम लोग यूनिमाइंड चलाते हो? नहीं, ये हम लोग थे जो तुम्हें ये मैसेजेस भेज रहे थे ताकि तुम यूनिमाइंड बना सको, और अब हम प्राइम इटर्नल के लिए वोटिंग रखना चाहते हैं। जिस पर ड्रिक कहता है कि ऐसा करने से तुम कभी नहीं जीतोगे, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा लोग हैं। तभी सर्सी इक्रिस और गिलगमेश को कॉन्टेक्ट करती है और कहती है कि जल्दी से अंदर घुस जाओ, और तब हम देखते हैं कि इक्रिस और गिलगमेश डोमेन में घुस चुके थे और वो यूनिमाइंड को डिसेबल कर देते हैं, और ये देखकर एक्समैन खुश हो जाते हैं। और तब सारे एक्समैन यूनिमाइंड से कनेक्ट हो जाते हैं, और तब जिन कहती है कि मैं एरोस को वोट करती हूँ। तभी इतने सारे म्यूटेंट्स को देखकर ड्रिक डर जाता है और वो समझ जाता है कि वो ये इलेक्शन हार जाएगा। तभी पेट्रियाक ड्रिक को कॉन्टेक्ट करता है और कहता है कि मैं भी यूनिमाइंड में हूँ और मैं सारे वोट्स को खत्म कर दूंगा और डेमोक्रेसी को निकाल दूंगा। मेरी साइकिक पावर काफी है सारे म्यूटेंट्स के लिए। यहाँ यूरेनस कहता है कि मुझे आजाद कर दो। तभी ड्रिक कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि यूरेनस को आजाद कर दो। तभी यूरेनस आजाद हो जाता है, और तब ड्रिक यूरेनस से कहता है कि जल्दी करो, हम हार रहे हैं। तभी वोटिंग हो जाती है और एरोस नया प्राइम इटर्नल बन जाता है। लेकिन तभी हर जगह पे पोर्टल खुलने लगते हैं और एक पोर्टल में से एक बड़ा सा हाथ बाहर आता है, तो वही दूसरी तरफ एक पोर्टल खुलता है जिसमें से ड्रोन्स आते हैं, तो वही एक जगह पे पोर्टल खुलता है जिसमें से डेड स्टार की पावर आती है, तो वही ड्रिक कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ एरोस कहता है कि यूरेनस ने मशीन को बंद कर दिया है और अब इटर्नल्स भी अंदर नहीं जा सकते हैं, और इक्रिस और गिलगमेश अंदर फंसे हुए हैं। यहाँ मार्स पे एक मशीन पर आयरन मैन खड़ा था और वो कहता है कि ड्रिक ने यूरेनस को आजाद किया है और अब वो अर्थ के साथ वही करेगा जो उसने मार्स के साथ किया था। लेकिन जब वो यहाँ आया था तब उसने एक गलती की थी, और आज हम उसी के जरिए उसे हराएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज चाहिए। तभी यूरेनस वहां पे किसी को देख लेता है और कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो? तभी हम देखते हैं कि यूरेनस के सामने मैग्नेटो आ चुका था, और वो यूरेनस से कहता है कि सारे म्यूटेंट्स मुझे बिना दिल का कहते हैं और तुमने ये बात सीरियसली ले ली। और ये कहते ही मैग्नेटो वहां पर बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट करता है, लेकिन उससे
यूरेनस को कोई असर नहीं होता है। लेकिन तभी आयरन मैन कहता है कि हैक कंप्लीट हो गया है और अब अटैक करो। ये कहते ही यूरेनस देखता है कि उसके आसपास की बहुत सारे पोर्टल्स खुल चुके थे और उसमें से डेड स्टार की एनर्जी यूरेनस को हिट करती है और यूरेनस कमजोर पड़ जाता है। लेकिन इसी के कारण मैग्नेटो भी कमजोर पड़ गया था। तभी हम इकरिस को देखते हैं जो कहता है कि यूरेनस को फिर से जेल में डाल दिया है। तभी प्रोजेनिटर इकरिस और सरसी को देख रहा था और कहता है कि अब मैं तुम्हें जज करूंगा। और तब वो इकरिस से कहता है कि वो टेस्ट में पास हो गया है और सरसी टेस्ट में फेल हो गई है। तभी एरोस अब नया इटर्नल प्राइम बनकर प्रोजेनिटर से कॉन्टेक्ट करता है और कहता है कि हमने सब कुछ अच्छा काम करना चाहा और जरा देखो कि म्यूटेंट्स ने रेड प्लैनेट को भी जिंदा कर दिया है और हम मिलकर ये दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं और अब सब कुछ आपके हाथ में है। तभी सारे म्यूटेंट्स एवेंजर्स इटर्नल्स राह देखने लगते हैं कि अब प्रोजेनिटर अपना रिजल्ट सुनाएगा। तभी हमें प्रोजेनिटर की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि मैंने बहुत बोल लिया और बहुत देख लिया और अब मैं इंसाफ करूंगा और मैंने तय किया है कि तुम लोगों ने बहुत जी लिया। ये कहते ही प्रोजेनिटर पूरे अर्थ के लिए थम्स डाउन कर देता है और तब आसमान से फायरिंग होने लगती है और कैप्टन एक आदमी को अपने शील्ड के नीचे छुपा लेता है। लेकिन तभी उस फायरिंग में सब लोग मारे जाते हैं और ये देखकर कैप्टन अमेरिका कहता है कि हम अब मरने वाले हैं। Change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange.